बात का दुख है कि आज विधानसभा के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर दिल्ली के लोग इतने विश्वास से हम सबको वोट देके भेजते हैं, हमें भी वोट दिया है लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी वोट दिया है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर आके सरासर झूठ बोलते हैं, तो इससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों में से शायद 2 तो ऐसे विधायक हैं जो पिछली विधानसभा में 2015 से 2020 में भी इस हाउस के सदस्य थे। उनको तो इस बात की सूचना होगी ही कि 2017 में प्रकाश जी उनको बोलने नहीं दीजिए प्लीज। यार आप बार बार ना ये तरीका नहीं है करेक्ट। नहीं वो गलत बोले तो आप मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस दीजिए ना। अरे सुन तो लीजिए ओम प्रकाश जी, सुन लीजिए शांति। वही तो बोला ओम प्रकाश जी, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। माननीय मंत्री बोल रही है, माननीय मंत्री बोल रही है, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। यही कैलाश गहलोत कर रहे थे, यही आप बार बार टिप्पणी कर रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठिए ओम प्रकाश जी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप बैठिए। ओम प्रकाश जी अगर 2 से ज्यादा थे फिर तो और भी जिम्मेदारी आप पे बन जाती है कि बाकी सदस्यों को आप ये सूचना दे देते कि वो सदन में मौजूद नहीं थे कि 2017 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के लिए इसी हाउस में बिल पारित किया था और उस बिल को रोकने का काम, आप निकालिए वो फाइल, आप देखिए वो फाइल, एलजी साहब ने 4 पेज के बिल पर 30 पन्ने की ऑब्जेक्शन लिख के भेजी थी कि क्यों गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया जा सकता। कौन है एलजी महोदय? आपकी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। उन्होंने पिछले 5 साल से गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का प्रयास रोका हुआ है। आप दूसरी ओर देखिए, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनती है, 6 महीने के अंदर अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दिल्ली में क्यों रुकी? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब द्वारा रुकी। दूसरी बात, जो आपका दूसरा सवाल उनकी तनख्वाह पे, मैं ये भी आपको बता दूं, उस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने 2 साल पहले किया। किसने रोका? आपकी केंद्र सरकार के अंडर आने वाले सर्विसेज विभाग ने रोका, एलजी साहब ने रोका, और उसके बाद हाउस में आके झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार बार बार हर संभव प्रयास करती है कि गेस्ट टीचर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, कि वो नियमित हो। आप उनका नियमीकरण रोकते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ने से रोकते हैं, फिर हाउस में आके झूठ बोलते हैं। आप अपने राज्यों, आप मध्य प्रदेश में देखिए कितने सालों से सरकार है आपकी। मैं रूलिंग दे रहा हूँ, बैठिए। आप बताइए, आप प्रेस कर मध्य प्रदेश में कितनी तनख्वाह देते हैं? उत्तर तनख्वाह देते हैं आप? कितने राज्यों में क्या तनख्वाह देते हैं? एक नंबर के लिए लिखी बात हो तुम लड़की करते हो तुम। बिजली जी आपको सौदा नहीं देता। आप प्रिविलेज का नोटिस दो। आप जो प्रिविलेज का नोटिस दो, प्रिविलेज का नोटिस दो। मैं आपको प्रिविलेज का नोटिस देने में डर लगता है क्या? मैं चैलेंज करती हूँ इनको, अध्यक्ष महोदय। आम आदमी पार्टी की तो सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। भारतीय जनता पार्टी तो इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, किस राज्य में नियमित करे आप? प्रिविलेज का नोटिस दे रहे हैं, जरा आप छाती मत दीजिए। किस राज्य में नियमित करे आपने? बैठिए। मैं अतिथि जी बैठिए। मैं विधूड़ी जी मैं विधूड़ी जी आपको चैलेंज करती हूँ। आप प्रिविलेज दीजिए इस पे, फिर देखेंगे किसको करना पड़ेगा। विधूड़ी जी मैं आपको चैलेंज करती हूँ, ठीक है जी? अरे सुनिए तो सही,
सुनिए तो सही भदूरी जी, आपने जो अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कितने राज्यों में आपकी सरकार है, एक राज्य में बताइए जहां पे आपने गेस्ट टीचर्स को नियमित किया, एक राज्य बताइए जहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को नियमित किया, एक राज्य बताइए जहां पे आप दिल्ली सरकार जितनी तक। आतिशी जी बैठिए, प्लीज।